भाई, आज का हमारा टॉपिक है WDS, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। बेसिकली हम विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इसके लिए हमारे पास दो रोल होते हैं, ठीक है। हम दो रोल इंस्टॉल करते हैं। कौन कौन सा जी? रोल्स पे जाते हैं हम। रोल्स पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रोल शो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये हमारे पास रोल्स का टैग है, हम इसे क्लिक करेंगे। वो कलेक्टिंग डेटा कर रहा है अभी 2 और 3 मिनट्स के लिए, देखेगा। एड रोल्स, WDS के लिए हम दो रोल इंस्टॉल करते हैं। DHCP का रोल इंस्टॉल करते हैं और DHCP और विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। क्लिक ऑन इट, नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। याद रखिएगा, अब हमें उसने बता दिया है हमारे जो हमारे पास डोमेन है उसका IP 192.168.0.1। ये अब हम जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं DHCP की सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम इन्हें हम लोग सेट करेंगे। अब जो ही मैंने नेक्स्ट किया है DHCP DNS सेटिंग, उसने हमें क्या बताया है, हमें पेरेंट डोमेन उसने बता दी है, ठीक है, और उसने हमारा IP बता दिया। जब हम नेक्स्ट करेंगे, अगर हमारे पास भी विंग सर्वर आपने कन्फिगर करना है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मूव ऑन। यहाँ पे एड और एडिट DHCP स्कूप, ये हमारे पास बेसिकली होता है पूल। इसे हम लोग बता देते हैं कि हमने इतने पीसीस पे विंडो डिप्लॉय करनी है। मीन टू से यहाँ पे हम देते हैं WDS स्कूप का नाम, स्कूप नेम WDS 192.168.0.2 और 192.168.0.50। मीन टू से हमारे पास हमारा PC का IP है 192.168.0.1, ठीक है। अब हमारे पास हम 1 से आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे 2 और हमारे 50 तक। हमारा यहाँ पे सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। अगर हमारे पास गेटवे है, वेल एंड गुड है, गुड है, अदरवाइज हम लोग यहाँ से मूव ऑन करेंगे। आप देख रहे हैं DHCP का नाम, DHCP का स्कूप नेम, और हमारे पास रेंज 2 और 250 दे दिया उसने। नेक्स्ट, अगर याद रखिएगा, ये अब देखें DHCP V6 आपसे कॉन्फ़िगर करवा रहा है। अगर आप इसे डिसेबल भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, ये आपसे खुद कॉन्फ़िगर करवाएगा। सो नेक्स्ट, अब आप ये देख रहे हैं एंटर एन IP एड्रेस। यहाँ पर याद रखिएगा, IPv6 के लिए हमारा लूप बैक होता है कॉलन कॉलन वन, वैलिड, यस इट वैलिड, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है पीछे, और ये आपको सारा उसने बता दिया है। सो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सो अब आप देख रहे हैं हमारे पास DHCP कॉन्फ़िगर हो चुका है। नेक्स्ट, आपको अच्छी तरह याद है कि हमने दो रोल इंस्टॉल किए हैं। सो हमने तो अभी तक एक रोल इंस्टॉल अभी कॉन्फ़िगर किया है। सो नेक्स्ट हमारा फर्दर स्टेप्स होगा स्टार्ट प्रोग्राम्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड थर्ड लास्ट पे आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही होगी विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज की। याद रखिएगा, जब इस स्टेप्स पे, जब यहाँ पे जाने से पहले आप छोटी सी चीज़ अपनी चेक कर लीजिएगा। आप अपने अपने ड्राइव में, DVD रोम में, आप या फिर विंडो विस्टा, विंडो XP, विंडो सर्वर 2003, 2008 और विंडो 7, इनमें से CD जो आपने विंडो डिप्लॉय करनी है आपको डाल के रखनी है। सो अब हम देखते हैं कि मैं VMware पे बेसिकली काम कर रहा हूँ। सो देखते हैं कि हमारे पास हमारी रोम में इंसर्ट नहीं है, सो हम इंसर्ट करते हैं। आप डायरेक्ट अपनी CD इंस्टॉल करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सो नाउ अब मेरे DVD रोम में मेरे पास सर्वर 2008 की DVD पड़ी हुई है। सो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज।
आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको सर्वर का एक ऑप्शन टैग नज़र आ रहा है, और जब हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ पे 7+ का साइन है, हम उसे ओपन करते हैं, हमारे पीसी का नाम और मेरी डोमेन नेम नज़र आ जाती है। आपको येलो कलर का एक यहाँ पे साइन इंडिकेट हो रहा होगा। सो इस येलो साइन का मतलब क्या है? विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस सर्वर नॉट येट कन्फिगर्ड। सो हम इसे कन्फिगर करने के लिए क्या स्टेप्स करेंगे, याद रखिएगा यहाँ से ये स्टेप्स आपका टिल WDS एंड होने तक स्टेप्स चलेंगे। सो आपके पास जो यहाँ पे आप माउस का कर्सर देख रहे हैं जहाँ पे है, से राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर सर्वर करेंगे, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आप जब इसकी DHCP की तो कर चुके हैं, अब WDS की करेंगे। सो नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़े बहुत कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये जो रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर बन रहा है ये आप आगे आपको कैप्चरिंग के लिए यूज़ होता है, जो हम फर्दर आगे आपको डिटेल में करवाएंगे। सो नेक्स्ट। याद रखिएगा ये फोल्डर आप कहीं भी रख सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सी में ही रखें। आप सामने ब्राउज़ का बटन देख रहे हैं, आप ब्राउज़ करके कहीं भी रख सकते हैं इफ़ यू वांट, कहीं भी आप सी और डी और वट एवर जहाँ भी। नेक्स्ट। आप जब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आपको नए ऑप्शन मांगेगा और यस करेंगे हम। सो यहाँ पे अगर आपका ये जो जिस PC पे आप काम कर रहे हैं वो DHCP सर्वर है, सो चेक ऑन इट। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो क्लिक हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट कंप्यूटर, लेकिन अगर हमने क्लाइंट कंप्यूटर पे डिप्लॉय नहीं करनी है चीज़ तो हमारा DHCP WDS का फ़ायदा नहीं, इसमें इसका तो फ़ायदा नहीं, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं होती फिर। लेकिन हमने तो सारों पे करना है, रिस्पॉन्ड टू ऑल नोन एंड अननोन यूजर्स क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो हम इसे क्लिक करेंगे, याद रखिएगा इस नीचे वाले को चेक करें और अन चेक करें, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट। फिलहाल हम चेक नहीं करते। सो ये आपका विद इन 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स मैक्सिमम ये रेंज लेने में लेगा और आपका सर्वर WDS कन्फिगर होगा, बट नॉट प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से करने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो ही हम वो फिनिश होगा हमारे पास एक नई कॉन्फ़िगरेशन इज कम्प्लीटेड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इससे फर्दर स्टेप चलेंगे, ऑटोमेटिकली ये विंडो आपके पास आगे शुरू होती जाएगी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने सर्वर 8 की सीडी डाली थी तो वो मेरे किस काम की? सो वो काम हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे उससे यहाँ पे पूछा है विंडोज इमेज फाइल लोकेशन, हम क्या करेंगे सीडी में इंसर्ट होंगे जो हमने DVD डाली है, यहाँ पे आपको सोर्सेस के नाम से एक फोल्डर होगा, सिर्फ हार्डली जाके उसे पिक कर लें और ओके कर लें, ठीक है, और नेक्स्ट कर लें। अब यहाँ पे आप जोन सा भी फ्रेंडली नेम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ सर्वर 2008 क्योंकि मेरी सर्वर 2008 की सीडी है तो मैं दे देता हूँ। सो यहाँ पे आपको आपके पास व्यू सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप सोर्स के फोल्डर में इमेज ग्रुप जो आपने दिया है सर्वर 8 लिखा हुआ, यहाँ पे एक नई चीज़ है नंबर ऑफ बूट इमेज। वो क्या है नंबर ऑफ बूट इमेज? वो ये है कि जिससे हम एक CD इंस्टॉल कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, जो आपको नज़र नीचे आ रहा हो नंबर ऑफ इंस्टॉल इमेज 6। सो ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि जिस तरह आप देखते हैं कि विंडो विस्टा में विंडो सर्वर में अलग अलग टाइप्स ऑफ आपकी विंडोज़ होती है, लाइक विंडो बिजनेस, विंडो एंटरप्राइज, विंडो स्टैंडर्ड, वट एवर, ये वो 6 फॉर्म्स हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट। ये तकरीबन आपका ज़्यादा नहीं दो से तीन मिनट लेगा आपके ये पूरे स्टेप्स चलने में। आपने देखा कि मैंने जो प्रोसेस चलाया था ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे फिनिश करेंगे, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो अब जो हमारे पास काम है विंडो डिप्लॉय करने का, याद रखिएगा अभी हम विंडो डिप्लॉय कर रहे हैं। विंडो डिप्लॉय हम कैसे करेंगे? हमारे पास आप देख रहे थे पहले यहाँ पे येलो कलर का इंडिकेशन आ रहा था, वो ख़त्म हो चुका है, सो मीन हमारा WDS कॉन्फ़िगर हो चुका है। याद है पीछे 6 आइकन में आपको बता रहा था, वो 6 ये देखें, ये हमने सर्वर 8 के नाम से खुद फोल्डर बनाया था, इसके अंदर 6 जो मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ये 6 है। सो अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा हमने सोर्स का फोल्डर उठाया तो क्यों उठाया है और वट एवर, अब हमारा वो मैसेज काम है। सो अब याद रखिएगा हमारी जो विंडो है उसके अंदर 2 फाइलें होती हैं जिसकी बेस पे हमारी विंडो इंस्टॉल होती है, install.vim और boot.vim। अब हमने वो दोनों चीज़ें कन्फिगर करानी है, अब आप देख सकते हैं इंस्टॉल इमेज और बूट इमेज आपके पास है। इंस्टॉल इमेज पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड इंस्टॉल इमेज आपको नज़र आ रहा है उसे हम क्लिक करेंगे। सो आपको सेलेक्ट फॉर एग्जिस्टिंग इमेज ग्रुप
अगर आप चाहते हैं कि इसी इमेज इसी ग्रुप में आए वो इमेज तो ठीक है, वेलन अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो नया आ जाएगा, डजंट मैटर, हम इसी पे बनाते हैं। नेक्स्ट, अब वो पूछ रहे हैं वो इंस्टॉल डॉट विम मैंने आपको बताया था वो किधर पड़ा हुआ है, उस हमने बताया था कि वो सोर्स के फोल्डर में पड़ा है, सी डी के अंदर इंसर्ट होंगे आप। सी डी के अंदर इंसर्ट होने के बाद आपको सोर्स के फोल्डर से सोर्स का फोल्डर मिलेगा, उसे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल डॉट विम आपको मिलेगा, आप उसे ओपन करेंगे, वो आ गया। एंड नेक्स्ट करेंगे, अब आपने जोन से विंडो इंस्टॉल करवानी है, विंडो से डिप्लॉय करानी है किसी पीसी पे, अब वो करेंगे विंडो से, मैं कहता हूँ विंडो लॉन्ग हॉर्न सर्वर सर्वर इंटरप्राइज करते हैं। सो ये मैंने एक सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये हमारा 2 or 3 मिनट्स का प्रोसेस होगा या विद इन उससे कम कम आपका ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा रिज्यूम करते। सो ये हमारा इंस्टॉल इमेज हमने डाल दिया, फिनिश। आप पहले देख रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे 6 हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से, नाउ हमारे पास 7 हो गए हैं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक अपना एडिशन खुद किया। सो यहाँ पे बूट इमेज में हम आते हैं, यहाँ पे पहले से एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो लॉन्ग हॉर्न सेटअप पड़ा है, आप इसे अपनी कंफ्यूज आगे जाके ना हो तो इसे आप डिलीट कर दें, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। सो अब हम बूट इमेज जो आपका यहाँ पे है इसे राइट क्लिक करेंगे, ऐड इमेज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था जिस तरह आपने इंस्टॉल इमेज में इंस्टॉल डॉट विम डाला है, इसी तरह बूट इमेज में बूट डॉट विम डालेंगे, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे वो फ्रेंडली नेम पूछ रहा है कि आप इसके अलावा क्या देना चाहते हो, मैं उसे कह देता हूँ कि 2008 मैं उसे दे देता हूँ। सो ये मैंने दे दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमारा सर्वर 2008 के नाम से जो हमारी अब हमारी वो बनेगी हमारे बूट इमेज में आ जाएगा। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा सो अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आप एक विंडो डिप्लॉय करा सकते हैं बगैर किसी सीडी के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वाया लैन कनेक्टेड हो आपका वो। सो अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारी बात सच है। तो अब हमारे पास एक ये नई विंडो है, हम इसे ओपन करते हैं, इसमें कोई सीडी नहीं डली हुई, नथिंग, हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है। सो आप ये देख रहे हैं ये F12 से हम इसे बूट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीसी के आईपी से आप यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.0.1 ये हमारा बूट हुआ है हमारे WDS सर्वर से। इस ये जो हमारा पीसी अभी चल रहा है इसमें कोई विंडो की सीडी नहीं डली हुई, हम बगैर सीडी के विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, मीन टू से WDS के बेस पे। अब हमारे पास यहाँ पे ये सेटअप चलेगा, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे ये काम नहीं हो रहा था तो उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो बन रही है, सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। सो आपके पास प्रॉपरली जिस तरह आप विंडो इंस्टॉल वाया सीडी करते हैं इसी तरह आपकी विंडो इंस्टॉल होगी। सो आपको इसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपका आपकी कोई सीडी नहीं, आपकी विंडो नहीं चल रही, वट एवर आपकी सीडी नहीं है। सो अगर आपके पास विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज अगर आपका इंस्टॉल कर लेते हैं कन्फिगर करते हैं सो आप इसी तरह लाखों पीसीज पे आपके पास लैन में वाया कनेक्टेड लाखों पीसीज में हो तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपका मसला नहीं होता। जिस तरह अभी उसने एक एरर दिया है, अगर आप ये दोबारा आपको एरर दे तो एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके आप ऑन कर सकते हैं, आपका ये एरर ख़त्म हो जाएगा। सो ये एक बार एरर कुछ कनेक्टिविटी की वजह से आपको एरर दे देता है, लेकिन आप इससे घबराइएगा मत, एक बार रिस्टार्ट करके पीसी रियल एनवायरनमेंट में ये काम नहीं होता। रियल एनवायरनमेंट में आपको स्ट्रॉन्ग केबल्स व्हाटएवर आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए होता है। अभी हम वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं हमें वर्चुअल मशीन पे हमारा काम हो रहा है, एक बार वो एरर आ जाता है डजंट मैटर, आप दोबारा रिस्टार्ट करके अपना पीसी ऑन करें तो आपका एरर रिमूव हो जाता है।
मेरे अभी दोस्त मुझे साथ साथ मेरे हैं, वो कह रहे थे एरर आएगा, बट सो इट्स ओके। हमारे पास विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज की हमारे पास ऑप्शन आ गई है। सो जो ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये आपको फर्दर आगे नहीं जाने देगा। क्यों? ये पूछ रहा है आपने जो डोमेन क्रिएट की है उसका आप बताएं। आप कंडीशन देंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। मेरी डोमेन है रजा के नाम से, और हमारा पासवर्ड है 123@abc। सो जो ही हम ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमारे पास सात की सात विंडो जो आपने इंस्टॉल की हुई, आप चाहते हैं करने चाहते हैं आप करें। नेक्स्ट आपकी ड्राइव में आपने जिस तरह आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं आप आराम से करें। यहाँ तक ये आपका विंडो डिप्लॉयमेंट सर्वर आपकी विंडो बगैर सीडी के इंस्टॉल हो चुके हैं। सो एंजॉय योर सीडी, एंजॉय योर विंडो विदाउट सीडी। सो हमारे पास विंडो डिप्लॉय हो चुकी है, अब हमारा काम आता है कैप्चर पे। सो अभी मेरे दोस्त असद हम उससे पूछ रहे थे कि कैप्चर क्यों किया जाता है, बेसिकली इसका मतलब क्या है। बेसिकली हमारा कैप्चर ये होता है, मीन टू से आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 PCs हैं। अब हर एक पे आप अगर विंडो इंस्टॉल करने बैठ जाएँ तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स टेक अ लॉट। हमारा काम है कैप्चर का, हम कैप्चर इस तरह करते हैं कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 PCs हैं, वट एवर 5, 10 जितने भी हैं, हम उन 5 PCs या 10 PCs को छोड़ के बस एक PCs हम वहाँ से ले लेते हैं। आपको जिस तरह पता ही है हर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है, मीन टू से अगर ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समथिंग लाइक, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, हम वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब हम हर एक अलग अलग PCs पे करेंगे तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस एंड फॉर वेस्ट ऑफ टाइम होगा, लेकिन हम इसलिए करते हैं हम एक PC लेते हैं, उस पे उस PC को हम मास्टर इमेज बनाते हैं। किस सेंस में? उसमें सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रख देते हैं। सो जब हम वो मास्टर इमेज बनाते हैं, उससे पहले हमारे जो WDS पे हम काम करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे जाएंगे हम, जो आपने पहले किया हुआ है, हमारा पहले कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आपने और कुछ नहीं करना, हमारे पास आप ये देख सकते हैं हमारे पास सर्वर है। यहाँ पे आपके पास बूट इमेज में एक हमारे पास पहले क्रिएटेड हुआ सर्वर 2008 का एक बूट इमेज नज़र आ रहा है। हम इसे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा हम ये कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर हम किसी चीज़ से कैप्चर करेंगे हम लोग इमेज, क्रिएट कैप्चर बूट इमेज, हम इस पर क्लिक करेंगे। याद रखें हम यहाँ पे फाइल जनरेट करेंगे, नॉट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको शायद याद हो कि हमारी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक रिमोट इंस्टॉल के नाम से फोल्डर क्रिएट होगा, हम उस पे जाते हैं। मिनटू से वो फोल्डर हमारा सी पे क्रिएट होगा, ब्राउज वो फोल्डर हमारा सी पे क्रिएट होता है तो हम सी पे जाएंगे। आपको रिमोट इंस्टॉलेशन का फोल्डर नज़र आ रहा है, हम रिमोट इंस्टॉलेशन के फोल्डर को क्लिक करेंगे। उसके अंदर आपको बूट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट नज़र आ रहा होगा। बूट के अंदर जाने के बाद x86 पे जाएंगे, x86 में आपको इमेजेस के नाम से एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा, इमेज पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे कोई भी, मिनट उसे मैं देता हूँ रजा डॉट विम, WIM विम के नाम से हमने फाइल क्रिएट करनी है, ओके। ये देखें सी रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर में बूट x86 इमेज और रजा के नाम से जो मैंने फाइल क्रिएट किया, और नेक्स्ट ये हमारी फाइल जनरेट हुई है। याद रखिएगा ये फाइल हमारी 379 MB की फाइल क्रिएट होती है। ये वो फाइल है जिसके ऊपर हम इमेज रखेंगे। अभी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इमेज रखेंगे, हम लोगों ने फाइल जनरेट की है, बस आप ये प्रोसेस देखें, अपने फाइल क्रिएट करनी है रजा डॉट विम की क्रिएट करनी है। इसके बाद जो फर्दर हमारे पास जब ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी नेक्स्ट फिनिश करेंगे, हम यहाँ पे फाइल वो जो रजा डॉट विम बनाई है उसे पिक करेंगे। सो इसे कम्प्लीट होने देते हैं। हमारे पास हमारी रजा के नाम से जो हमने फाइल क्रिएट की थी तो हमारी वो फाइल जनरेट हो गई है, फिनिश। अब याद रखिएगा ये जो खाली फोल्डर है, कहा जाता है कि कोई चीज़ खाली नहीं होती, बट इन खाली जगह पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। राइट क्लिक करेंगे इस खाली जगह पे, ऐड बूट इमेज,
आपने जो फाइल बनाई है रजा डॉट विम की, आप वो फाइल पिक करेंगे। आप देख सकते हैं रजा डॉट विम की फाइल आपके पास जनरेट होगी, आप उसे पिक करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी उस फाइल को जनरेट करके फ्रेंडली नेम देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे उस फाइल को फ्रेंडली नेम देते हैं, हम यहाँ पे हम फाइल को नाम यहाँ पे देते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़िया, उनका नाम देते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ हैं ज़िया। और नेक्स्ट, अभी आपने देख रहे हैं कि हमारी ये फ़ाइल फिनिश करेंगे जनरेट हो चुकी होगी। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि फ़ाइल आपकी होती है 376 MB की, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये काम हमारा इतना था, मैंने आपको बताया था कि हम मास्टर इमेज का, हम मास्टर हमारी जो पीसी होता है उसका इमेज लेते हैं, वो कैसे लेते हैं वो अब हम देखते हैं। ये हमारे पास एक जो हमने WDS पे जो हमने चेंजिंग की थी, पहले रज़ा के नाम से फ़ाइल क्रिएट की थी, फिर उसे जनरेट करने के बाद अब ये हमारा मास्टर पीसी, हम इसे बनाएंगे। जो मास्टर पीसी, याद रखिएगा, हमने मास्टर पीसी अब हम इसे बनाएंगे, हम इस पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर सिसप्रेप चला के इस पीसी को शट डाउन करते हैं। इसको हम चेक करते हैं, हम इस पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हम यहाँ से सॉफ्टवेयर पिक्स कर पिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इस पीसी को मास्टर इमेज बनाने के लिए। तो ये हमारे पास फोल्डर है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स कुछ चनक पड़े हुए हैं, हम इन्हें इंस्टॉल करेंगे अभी। हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और आगे फर्दर स्टेप्स चलाएँगे। हम कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, बस हमारा बेसिक मतलब ये है, हमारा ये करने का ये है कि हम एक कैप्चर लेना चाह रहे हैं एक मास्टर पीसी का। सो जो आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी आप वो चलाएंगे, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आप यही सॉफ्टवेयर चलाएं और वट एवर जो भी है आपका। हमने यहाँ पे 4 से 5 किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं। हम इसे नाम देते हैं मास्टर पीसी का। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स थे, हम लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिए हैं अपने पास, लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और वट एवर, छोटे मोटे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए। अब हमारे पास मास्टर पीसी पे हमने क्या काम करना है, हम स्टार्ट पे जाएंगे, रन पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिस पी आर ई पी प्रेप। सिस प्रेप जो ही हम इंटर करेंगे, याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर हमारी विंडो में बिल्टन है। जब हम सिस प्रेप का जो हमारे पास 93 KB का जो हमारे पास फोल्डर है, इसे हम करेंगे चलाएंगे, ओपन करेंगे। याद रखिएगा जब भी सिस प्रेप चलाएँ ये जनरलाइज फॉर्म में चलाइएगा, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एडवाइस फॉर यू, ये जनरलाइज फॉर्म में आप चलाइएगा और इसे शट डाउन कर लेगा। ओके, ये जनरल, अब ये सिस प्रेप चलेगा। बेसिकली सिस प्रेप आपका क्या होता है, जो आपके सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल हुए होते हैं उनकी RSDs रिमूव करने के लिए आपके सिस्टम से ये चलाया जाता है। इसमें आपके सॉफ्टवेयर्स को कोई नुकसान या वट एवर लॉस नहीं होता, सिर्फ ये देखें शट डाउन, अब आपका सिस्टम जो ही कम्प्लीट होता है ये शट डाउन हो गया। हमने सारे प्रोसेस, जिस तरह आप देख, आपको पता ही है, हमने सारे प्रोसेस इस पर किए हुए थे WDS पे। WDS हमारे पास जिस तरह हमने दो फाइलें उधर क्रिएट की थी आपको तो पता ही है। हमारे पास यहाँ पे ज़िया के नाम से जो मैंने फाइल, ज़िया के नाम से वो एक फोल्डर बनाया था उसमें सारी फाइल। अब जो मैंने जिस पीसी को सिस प्रेप चला के बंद किया है हम उसे ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा बेसिक काम क्या बनता है उधर। याद रखिएगा यहाँ पे हमारा मेन काम है, यहाँ पे, यहाँ से अगर आपका ये काम बूट हो जाता है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन में ये थोड़ा बहुत आपको करने में ज़रा मसला करता है। पागल हो गया,
जब मास्टर पीसी ऑन करेंगे और हम F12 से बूट करेंगे, याद रखिएगा F12 से हम बूट करेंगे तो हमारे पास विंडोज़ सर्वर 2003 और विंडोज 2008 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है 2003 या 2008, नहीं हमने यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्ट करना है जो हम लोगों ने वहाँ पे दिया हुआ था। याद रखिएगा ये बात आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन करती है कि आपको, हमने तो एक फाइल दो फाइलें बनाई थी लेकिन ये तीसरी फाइल। ये हमारे सर का भी, उन्होंने हमसे, हमने उससे पूछा था, उन्होंने हमें नहीं बताया। काइंडली इस बारे में कन्फ्यूज़ ना होइएगा। अगर सर्वर जो आपने ऊपर वाले पे नहीं जाना, कैप्चरिंग में आपने नीचे वाले पे, सेकंड वाले पे जाना है, याद रखिएगा ये पॉइंट मैं आपको बार बार नोट कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, जो मेरे फजल फजल भाई हमारे हैं, उन्होंने कहा है, जो हमारे साथ अभी मसला पेश आ रहा था, जब आप VMware पे एक काम करते हैं तो मास्टर इमेज की जब आप सिसप्रेप चला के करते हैं तो ये बहुत कन्फ्यूजन होती है नेटवर्क कार्ड से बूट होने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये काम हो चला है और आप देखें, आपको वेलकम टू विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इमेज कैप्चर, आपके पास इमेज कैप्चर करने की बारी आ गई है। नेक्स्ट ऑन इट, याद रखिएगा अब आप इमेज कैप्चर कर रहे हैं, मीन टू से आप अपनी ही CPC का इमेज लेके WDS को देंगे। अब जब यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको सी शो हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी फाइल जनरेट कर सकते हो, आप पाबंद नहीं हो कि कोई भी करो, लेकिन मैं यहाँ पे raza.vim, याद रखिएगा विम का नाम ज़रूर देना है, मेरा नाम देना दें, विम का नाम ज़रूर देना है आपने, ठीक है। ये करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, वो नेम पूछते हैं हमसे, नेम एंड लोकेशन वो पूछते हैं किधर सेव करना चाहेंगे आप, हम उसे पाथ देते हैं अपने ही PC में सेव करें। यहाँ पे उसे हम बता देते हैं ये मेरी फाइल है, जनरेट करें। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है अपलोड इमेज टू विंडो डिप्लॉय विंडो DS सर्वर। यहाँ पे हम, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं अपलोड इमेज टू WDS, मीन टू से अपलोड का आपको, जो आपको मतलब पता ही होगा कि हम लोग ये PC का इमेज लेते हैं और एटलीस्ट लास्ट पे ये आपका वहाँ पे सर्वर पे WDS पे अपलोड करता है इमेज। आपको सर्वर नेम, अब आप पूछ रहे होंगे किस चीज़ का सर्वर नेम, आप अपने भी चीज़ का तो देंगे नहीं, लाजमी बात है जो आपका WDS सर्वर है, इसका हमारे पास WDS का नाम है wing/shfg47xow। आपको छोटी सी एक बात बता दूं, आप, हम अक्सर माशाल्लाह हैं तो हम पढ़े लिखे जाहिल ही, याद रखिएगा ये जो ओ आपको देखा देख रहे हैं आप, ये ओ नहीं है, ये बेसिकली ज़ीरो है। कुछ लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए, ओ लिखते हैं और स्टक हो जाते हैं कि काम नहीं हो रहा हमारा, हम लोग ने सही नहीं किया, वट एवर, हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करेंगे, जो ही हम कनेक्ट करते हैं अब देखेंगे अगर हमारा WDS के साथ लिंक है हमारा, अदरवाइज है तो सही, तब तक हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। कनेक्ट करेंगे, वो हमसे क्या चीज़ मांगेगा वो हम देखते हैं। मैंने अपने WDS का आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था उसने कंडेंशनल पूछा था, अब हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड बताएंगे। हमारा यूज़र नेम वहाँ पे था रज़ा, जो कि मेरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे नेम का। जो ही हम एंटर करेंगे वो थोड़ी बहुत विद इन आई थिंक 20 to 30 seconds आप मैक्सिमम आपका टाइम लेगा, वो आपको अपने PC के साथ थ्रू आउट कनेक्ट कर देगा। फिर जो ही आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देख रहे हैं, इमेज, यहाँ पे इमेज ग्रुप नेम, आप याद रखिएगा आपने सबसे पहले विंडो डिप्लॉय में आप एक ने अपने के नाम रखा था सर्वर 2008, आप याद रखिएगा। अब ये जो इमेज आपका क्रिएट होगा ये इस फोल्ड इसी पैक में जाके होगा, हम चेक करते हैं। जो ही हम फिनिश करते हैं इट्स टेक मैक्सिमम वन एंड हाफ आवर, ओके, हमारा यहाँ पे कैप्चर, इमेज कैप्चर 98% हो गया है। और अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे आपको टैग नज़र आएगा कि अब यहाँ पे ये अपना जो कैप्चर इमेज लिया है तो ये अब अपलोड करेगा ऑटोमेटिकली WDS के।
99% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ये देखें, करंट टास्क कैप्चरिंग इमेज 100% कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो दोबारा एक टास्क बार चल रही है, ये अपलोड कर रहा है WDS पे अपना इमेज। या अभी आपको ये देखें, आपको यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है लिखा हुआ है अपलोडिंग इमेज टू WDS सर्वर। पहले इसने अपनी ही ड्राइव में एक सर्वर बनाया है, अपना इमेज बनाया है। अब इट्स टेक हार्डली 1 मिनट और सेकेंड्स, और अपलोड इसने, ये देखें आप, इसने अपलोड कर दिया। जब अपलोड हो जाएगा हमारा इस PC के साथ कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये एक, बेशक आप इसे जनरल उसमें आराम से ऑन करें, सो ये हमारा मास्टर इमेज का कैप्चर हो गया। सो अब हमारे पास बात रह जाती है कि अब आया एक, ये तो चीज़ होगी हमारे पास, हमने मास्टर इमेज का कैप्चर ले लिया, इमेज ले लिया। अब जितने भी पीसीज हैं, आपको याद होगा कि आपने डिप्लॉय कैसे करवाया है, एज इट इज़ हम ये काम इम्प्लीमेंट इस पे करेंगे। सो अभी हम अपने मास्टर इमेज को क्लोज कर देते हैं, हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है। सो ये हमारे पास WDS है। अब देखते हैं क्या WDS में हमारे पास जो हमने इमेज, हमें मास्टर इमेज ने दिया, क्या वो आया हुआ है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने PC को फुली तौर पे रिफ़्रेश करते हैं, शट डाउन नहीं, रिफ़्रेश करते हैं। सो काइंडली जब हम सर्वर पे क्लिक करते हैं, आप देखते हैं रजा डॉट वेम आपको नज़र आ रहा है, ये वो फाइल थी जो हमारी क्रिएट हुई। ठीक है, अब ये हमारा काम था। अब छोटी सी एक और बात है, अब हम चाहते हैं ये इमेज हमारा 40 PCs पे हो जाए। कैसे करेंगे, इसी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट मल्टी कास्ट ट्रांसमिशन, मल्टी कास्ट ट्रांसमिशन करेंगे और यहाँ पे फ्रेंडली नेम कोई भी दे देंगे। मैं यहाँ पे रजा दे देता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। वो मुझसे पूछता है यहाँ पे शेड्यूल्ड, वो मुझसे पूछता है कि कितने बैकअप, कितने PCs पे करना है, तो मैं उसे कितने भी दे सकता हूँ, 40 हज़ार, 100, 40 लाख, 40 करोड़, वट एवर, जितने भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक देता हूँ, नेक्स्ट एंड फिनिश। अब मल्टी कॉस्ट पे यहाँ पे नीचे आपको रजा नाम का वो नज़र आ रहा होगा। अब हम जब भी किसी भी मल्टी कॉस्ट, अभी हम लोग एक PC ले लेते हैं, हम उस पर न्यू सर्वर इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा मास्टर इमेज का इमेज उस पर आया है या नहीं। ये जो अभी काम प्रोसेस चल रहा है, ये आपके काम का नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं और बूट करते हैं F12 से। याद रखिएगा, F12 से हमने बूट ज़रूर करना है, ये हमेशा एक छोटी सी बात याद रखिएगा, F12 से बूट करेंगे हम। F12, सॉरी, हम इसे F12 से पहले बूट करेंगे। तो आपको एक छोटी सी चीज़ का इंट्रोडक्शन देना था। याद रखिएगा, आपने फर्स्ट टाइम जब इमेज डिप्लॉय करते हैं तो आप दिस ये सेलेक्ट करते हैं, सेकंड टाइम जब मैंने कैप्चर किया था तो मैंने ये किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, नीचे वाला नहीं, हम ऊपर वाला ये पे ही जाएंगे, क्योंकि हमारा कैप्चर, हमारा डिप्लॉयमेंट उधर था। आप ये समझेंगे जो आपका थर्ड वन ऑप्शन है ही नहीं। सो काइंडली इस वीडियो को नोट ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत बेनिफिट है, और ये लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट लैब्स है, ये आपको रियल एनवायरनमेंट में एक ही मरतबा या दो मरतबा यूज़ आती है, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट लैब। हमारे सर कहते होते हैं ये 1 से 2 लाख रुपये की अपनी लैब है, बट इट्स नॉट अ ट्रू।
अब हमारे पास विंडो डिप्लॉय हमारे करने का वक्त आ गया है। अभी जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ है, इस पर भी सीडी नहीं थी। हम डिप्लॉय करेंगे WDS के थ्रू, लेकिन मास्टर इमेज का जो अपलोड हुई हुई इमेज थी वो करवाएंगे। देखते हैं क्या हमारा मास्टर इमेज का जो हमने इमेज वो कैप्चर किया था रजा डॉट वीम इस पर आया है या नहीं। हम इसे करेंगे नेक्स्ट, वो हमसे दोबारा कंडीशनल मांगेगा रजा स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिएगा ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे यूज़र नेम है डोमेन का 123 और ये मेरा पासवर्ड है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको नई चीज़ रजा डॉट विम नज़र आना शुरू हो गया है ना, कमाल की बात। अब बस आप इसे नेक्स्ट कर दें और इन्जॉय करें मास्टर मास्टर इमेज को। ये हमारा WDS का लेक्चर था, आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा, और इसमें किसी को अगर हर्ट करने की कोशिश की हो तो आई एम सॉरी, इट्स जस्ट अ जोक। अल्लाह।